सोनभद्र के दुधी कोतवाली इलाके के नाचन टोंड गांव में सड़क के किनारे लगभग 19 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दुधी CHC पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस मामले में ASP का कहना है कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और शव को देखने से लग रहा है कि हत्या कर सड़क के किनारे फेंका गया है। पुलिस जल्दी मामले का खुलासा करेगी। सोनभद्र के दुधी कोतवाली इलाके के नाचन टोंड गांव में सड़क के किनारे ग्रामीणों ने 19 वर्षीय अज्ञात युवती का शव देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दुधी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। शिनाख्त नहीं हो पाने पर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगता है, क्योंकि लड़की के मुंह से खून आ रहा है और नाक से झाग निकल रहा है। साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि यह इलाका छत्तीसगढ़ और सोनभद्र का बॉर्डर है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि किसी ने जहर देकर हत्या कर इस क्षेत्र में लाकर शव को फेंक दिया, कि इसको ध्यान में रखते हुए तफ्तीश की जा रही है। दुधी में एक युवती का डेड बॉडी मिला हुआ है। थाना दुधी से लगभग 20 किलोमीटर आगे कोची नाम के गांव में, जो हमारा बॉर्डर लगता है उस छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर एक लड़की का शव बरामद हुआ है हमारे बॉर्डर से करीब 500 मीटर पहले। उस लड़की के नाक से खून और झाग निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको जहर दिया गया है, कहीं बाहर से लाके डाल दिया गया। उसका पंचायतनामा करके आगे कार्रवाई कराई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है और आगे बहुत जल्दी हम लोग उसका पता लगाकर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। नहीं, अभी उसकी